ओके दे नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांजलिया, स्वागत है आपका इस नए सेशन में। क्या बोलता है पब्लिक, कुछ नया सीखने के लिए तैयार है? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। चालू चालू चालू। तो कल एक इंट्रोडक्शन ले लिया था अपन लोग ने, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन एक दूसरे का, कुछ कमिटमेंट्स किए अपन ने, ठीक है। टोटल मुझे चलो बताओ कितने चैप्टर्स हैं इस पूरे सब्जेक्ट में, कॉस्टिंग में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, याद है क्या? कल तुम लोगों को फेज वाइज कुछ डिवीजन करवाया था मैंने, तब बताया था कितने चैप्टर्स हैं टोटली। गैस करो, गैस क्या करो, आई मीन बताओ। चलो बोलो बोलो, चल चल। करेक्ट, 15 चैप्टर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड उनको अपन लोग ने डिवाइड किया इन फोर फेजेस। व्हाट आर दोस फोर फेजेस? फेज वन में कुछ चैप्टर्स, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर में कुछ चैप्टर्स। अब बिफोर आई स्टार्ट विद दोस चैप्टर्स, मैं एक छोटा सा तुम लोग को आइडिया देना चाहता हूं इन रिलेशन टू व्हाट एग्जैक्टली सीए इंटरमीडिएट या इन जनरल कॉस्टिंग के कुछ फंडामेंटल तकिया कलाम के बारे में, ठीक है। इट इज लाइक अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है तो उसको 1 + 2 = 3 ये बात तो पता होनी ही चाहिए। अगर कोई यू कैन से ज्योग्राफी पढ़ रहा है तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनका कैपिटल तो पता ही होना चाहिए। अगर कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है देन इन दैट केस इंडिया के 1947 के इंडिपेंडेंस के फाइट के बारे में पता तो होना ही चाहिए। बस वैसा ही कुछ है हमारे ये कॉस्टिंग के साथ। कॉस्टिंग में भी कुछ बेस फंडामेंटल्स है जो एज अ स्टूडेंट अपने को हमेशा पता ही होने चाहिए, एंड दैट विल रियली बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस इन ऑर्डर टू एंश्योर के अपन अगर ये बेस फाउंडेशन अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर दे देन इन दैट केस दुनिया का कोई भी कॉस्टिंग का क्वेश्चन आने दो, वी विल बी एबल टू टैकल इट, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है, ठीक है। सो जैसा मैंने बोला, मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर मेरा बेस फंडामेंटल मैथमेटिक्स का क्लियर नहीं होगा देन इन दैट केस मैं उसको एडवांस लेवल पे सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ही कुछ कॉस्टिंग के साथ है। आप लोगों के लिए ये टोटली न्यू सब्जेक्ट है, तो ये मेरा फर्ज बनता है दैट आई शुड इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग फर्स्ट एंड देन फिर बाद में चैप्टर्स के ऊपर जाते जाएंगे। तो आज कुछ 3-4 एग्जाम्पल्स है मेरे तक्या कलाम एग्जाम्पल, मेरे टिपिकल एग्जाम्पल, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एंड वो डिस्कशन के बाद एक कॉन्सेप्ट को अपन डिराइव करेंगे। क्या बोला? एक कॉन्सेप्ट को अपन डिराइव करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट को अपन डिराइव करने वाले हैं गाइस, दिस इज गोइंग टू बी विद अस, गोइंग टू बी यूजफुल फॉर द नेक्स्ट 50-60 लेक्चर्स। कहीं भी कभी भी यूज आ सकता है, ऐसे इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो आज अपन करने वाले हैं। बट मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं उसके पहले मैंने आपको बोला था मेरा एक तरीका है। क्या है वो तरीका, क्या आपको याद है? क्या बोल सकते हैं मुझे क्या है वो तरीका? जिक्र दा करा दू तैनू, कौन सा तरीका? बोलो बोलो। करेक्ट। सो मैं आपको कोई भी चीज पढ़ाने के पहले बताऊंगा उससे रिलेटेड एग्जांपल्स, फिर एग्जांपल से मैं कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट्स को, कॉन्सेप्ट से अपन लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूलास, और फिर अपन लोग आराम से कर पाएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्योंकि जब इनका इंटरकनेक्शन हो जाएगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं कभी अटकूंगा ना तो भी ये एग्जांपल विल ऑलवेज ऑलवेज हेल्प मी टू एंश्योर दैट चीजें मुझे समझ में आ जाए। और अगर एग्जांपल्स मेरे को याद रहेंगे ना गाइस, लेट मी टेल यू, अगर मेरे को एग्जांपल्स याद रहेंगे ना देन इन दैट केस आई विल नेवर एवर फॉरगेट द कॉन्सेप्ट्स। तो चलो अब इसी बात पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरा एग्जांपल नंबर वन। और इस एग्जांपल नंबर वन के लिए मुझे चाहिए आप सब में से 3 स्टूडेंट्स जो मेरे ये एग्जांपल नंबर वन का पार्ट बनेंगे, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स मेरे को करवाने, तो आप लोग में से बहुत सारे जिनको मैं लेते रहूंगा, आप में से 3 वो स्टूडेंट को मैं लूंगा जो सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के भेजेंगे मी, एम ई मी। तो जिसने फर्स्ट मी लिख के भेजा वो फर्स्ट 3 लोग वो मेरे एग्जाम्पल का पार्ट बनेंगे। चलिए देखते हैं कौन है ये 3 लोग। आपको मी लिख के भेजना है और कुछ नहीं।
ओके 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 आ गए मेरे पास, धड़ाधड़ नंबर्स आ गए. ओके ओके सो फिलहाल के लिए इट इज गोइंग टू बी द थ्री पीपल. कौन है ये तीन लोग? ओके, इट इज पी फॉर प्रशांत खंडेलवाल, पीके. इट इज पी फॉर प्रत्यांशी मेहता, पीएम. एंड द थर्ड वर्ड इज एस शंबिल. सो तीन लोग यहां पे मुझे दिख रहे हैं एंड आप लोगों के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर वन. एंड ये एग्जाम्पल नंबर वन है रेस्टोरेंट की बात फ्रेंड्स के साथ. क्या है एग्जाम्पल का नाम? रेस्टोरेंट की बात अरे दोस्तों के साथ. तो यहां पे मेरे पास तीन फ्रेंड्स हैं. कौन है ये तीन फ्रेंड्स? प्रशांत खंडेलवाल, पीके. देन प्रत्यांशी मेहरा, मेहता. क्या हाई फाई वर्ड्स है तुम लोग के. पीएम. और थर्ड है हमारे शंभू, शंबेल. चलो ना मेरा एग्जाम्पल मैं स्टार्ट कर रहा हूं. अब प्लीज एवरीबॉडी फोकस एंड सबको ऐसे ही कोऑपरेट करना है, ऐसे ही आंसर्स देते जाना है, कम्युनिकेट करते जाना है जो आप लोग ने कल मेरे साथ वादा किया था. तो बात कुछ ऐसी है कि पी के, पीएम और प्रशांत. तो मैंने वही तो बोला, प्रशांत खंडेलवाल. कुछ और नाम बोल दिया क्या मैंने? ओके सॉरी, प्रशांत. इट्स प्रशांत खंडेलवाल. सो पी के, पीएम एंड ये तीनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं. जी हाँ, बता रहा हूं मैं आप लोगों को. सो ये तीनों फ्रेंड्स, यू विल नॉट बिलीव मी दैट ये तीनों फ्रेंड्स ने सीए फाउंडेशन का एग्जाम के लिए साथ में पढ़ाई किया. तीनों ने एकदम जान लगा के साथ में पढ़ाई की एंड एग्जाम आया, उन्होंने तीनों ने साथ में एग्जाम दिया. सेम सेंटर, ऑलमोस्ट सेम क्लासरूम मिला इन लोगों को. तीनों ने एग्जाम क्रैक कर दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड तीनों सीए इंटरमीडिएट में आ गए. सीए इंटरमीडिएट में 600 में से 150 मार्क्स तो इनके मेरे पास ही थे, है ना? तो वो 150 मार्क्स में से मैंने उनको अच्छी तरह से पढ़ाया. बाकी भी ये लोग ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की. एंड अगेन आपको एक बात बोलूं, इन तीनों ने फाउंडेशन साथ में पढ़ाई की थी एंड तीनों के तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए. अब इंटरमीडिएट आपको क्या लग रहा है, साथ में पढ़ेंगे? 101% तीनों ने साथ में पढ़ा. तीनों ने इंटरमीडिएट भी साथ में पढ़ा एंड तीनों ने इंटरमीडिएट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया. जी हाँ, और अब तीनों आ गए हैं सीए फाइनल में. अब बताओ क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इनकी? सर आपकी क्लास ज्वाइन करेंगे? अरे वो तो करेंगे, वो तो ठीक है, बट बाकी कॉमन चीज आपको क्या दिख रही है इन लोगों में? सीए फाउंडेशन साथ में पढ़ाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट, क्लियर. सीए इंटरमीडिएट साथ में पढ़ाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट, क्लियर. क्या लग रहा है अब सीए फाइनल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी इनकी? व्हाट डू यू फील गाइस? कम ऑन टेल मी, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू गाइस. लेट्स सी. तो इन तीनों में कॉमन लिंक आप लोग ने ढूंढ लिया है, सर साथ में पढ़ाई करेंगे. अच्छा, ऐसा साथ में पढ़ाई करके क्या आप बन जाओगे? सर देखो कैसा है, हम लोग साथ में ना पढ़ते हैं ना तो सीरियस वाला ग्रुप स्टडीज करते हैं, ऐसा नहीं टाइम पास वाला जो बाकी लोग टाइम पास करते हैं ना, इधर उधर का बातें और वो सब, वैसा नहीं. हम लोग का तो एकदम सीरियस फोकस वाला जो स्टडीज है वैसा वाला हम लोग का स्टडीज होता है. तो तीनों ने बोला कि ठीक है सर, अब हम लोग पढ़ाई करेंगे साथ में. एंड इन तीनों का अटेम्प्ट आया मई 2026 में, ठीक है? तो सीए फाइनल का अटेम्प्ट इनका कब का है? अरे बोलो बोलो, चल चल. करेक्ट. तो तीनों का सीए फाइनल का अटेम्प्ट है मई 2026 में, ठीक है? उस मई अटेम्प्ट के पढ़ने के लिए तुम लोग को पता होगा कि इंटर के बाद तो आर्टिकलशिप चालू हो जाती है, तो 2 साल जम के वो लोग ने आर्टिकलशिप की और तीनों को 1 दिसंबर को लीव मिल गई. 1 दिसंबर 2025 को तीनों को लीव मिल गई एंड 5 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, तीनों ने सोचा कि यार चलो ये 5 महीने हैं, पांचों महीने एकदम जी तोड़ मेहनत करते हैं सो दैट वी अगेन क्लियर आर एग्जामिनेशंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड तीनों ने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया. पीके, पीएम एंड शाम्बिल हेल्प करते थे वो लोग एक दूसरे को, कोई भी चीज हो तो उसमें एक दूसरे के साथ थ्योरी डिस्कस कर लिया, सम एक दूसरे के डाउट हो सॉल्व कर लिया. और इतना मेहनत किया, मतलब ना दिन देखा ना रात, मजाक नहीं कर रहा हूं भाई,
पीके पीएम शैम्बिल ने इतना मेहनत किया है ना कि वो लोग वो 5 महीने रोज सुबह 7 बजे मिलते थे। पीके का घर खाली था, पीके के पास एक एक्स्ट्रा घर है उसमें उसका घर खाली था, तो वो लोग वहां पे मिलते थे और तीनों सुबह 7 बजे पहुंच जाते थे, रात को 11 बजे तक वहां से हिलने का नाम नहीं। और कभी कोई थियोरी पढ़ रहा है, कभी कभी साथ में पढ़ लेते थे एंड वैसा। तो आर्टिकल साथ में करके फाइनल की प्रेपरेशन, यस नको। सो ऐसा इनका ये था। और मतलब बाहर का खाना उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि कैसा है पता है क्या, बाहर का खाना खाते हो ना तो नींद बहुत आती है, या कभी तबीयत खराब हो गई, पेट खराब हो गया, तो एक दिन वेस्ट चले जाएगा। अब सीए फाइनल का बच्चा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता, बता रहा हूं मैं आपको। अब बीच में इतने सारे कुछ, बीच में मे अटेम्प्ट है, तो बीच में 14 फरवरी आता है वैलेंटाइन डे, या फिर से फॉर एग्जाम्पल महाशिवरात्रि आती है, या फिर होली आती है। होली होली कब है होली? कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी उनके घर पे इवेंट हो, दे ऑलवेज वर वेरी फोकस्ड ऑन देयर स्टडीज। उन्होंने बाहर का खाना, बाहर के इवेंट्स, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी फेस्टिवल, सबको बोल दिया टाटा बाय बाय, और बोला हम लोग एक ही चीज करेंगे एंड दैट इज स्टडीज स्टडीज स्टडीज। एंड तीनों ने जी तोड़ मेहनत करके एग्जाम के लिए रेडी हो गए। फर्स्ट में से एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे एंड 16 मई को एग्जाम खत्म होने वाले थे। 16 मई को एग्जाम खत्म हो गए, जी हाँ, 16 मई को एग्जाम खत्म हो गए। जब उनके 16 मई को एग्जाम खत्म हो गए, एट दैट पॉइंट इन टाइम उन्होंने सोचा दैट अब क्या। तो ऐसा सोचो कि आज है 16 मई एंड टाइम इज 2 PM, आज है 16 मई एंड टाइम इज 2 PM। अब आप लोग मेरे को बताओ, टू टाइम इज 2 PM, 2 PM टू 5 PM एग्जाम होता है, तो समझो आज टाइम इज 5 PM, चलो एग्जाम दे दिया उन्होंने। अब आप लोग को मेरे को बताना है, ये 5 महीने इन्होंने इतनी मेहनत की है, सेलिब्रेशंस नहीं कोई, बाहर का कुछ नहीं, एवरीथिंग फुली फोकस्ड ऑन वन थिंग एंड दैट इज स्टडीज स्टडीज स्टडीज। अगर आप अब पीके पीएम एंड शैम्बिल की जगह हो और अभी आपकी लाइफ में भी सीए फाइनल के एग्जाम के बाद के 16 मई के शाम के 5 बजे है, तो अब आप लोग क्या करना चाहोगे? आप लोग मेरे को बताओ, चलो कमऑन गाइस बताओ, व्हाट विल यू वॉन्ट टू डू? अब वो लोग ऑलमोस्ट सेम ही सेंटर में थे, तो 5 बजे एग्जाम लिखा, थोड़ा एक दूसरे से बात किया, और 5:30 बजे अभी जस्ट 5:30 बजे अभी जस्ट निकले हैं वो लोग एग्जाम देने के बाद, जस्ट घर से बाहर, आई मीन जस्ट सॉरी घर क्या बोल रहा हूं, एग्जाम सेंटर से बाहर निकले हैं। एंड तीनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कैसा गया एग्जाम? अरे जैसा भी गया, मेहनत कर ली, आठों आठ पेपर डन, एक दूसरे को ताली दी एंड गेम ओवर, एग्जाम्स ओवर। अब आपको बताना है क्या लग रहा है आपको, क्या करेंगे? चलो आप लोग जवाब दो, पीके पीएम शैम्बिल क्या करने वाले हो? प्रशांत खंडेलवाल बोल रहे हैं सर घूमने जाएंगे, यार बनता है घूमने जाना। तो राधिका बोल रही है विल स्लीप। मैं आपको एक बात बताऊं राधिका जी, आप मानिए ना ना मानिए, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो ना, तो टेलीविजन पे सूर्यवंशम जैसी कोई मूवी आती है ना, वो भी अपने को बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं ना, देन इन दैट केस ना नींद आती है, ना अपने को कोई चीज अच्छी लगती है, मूवी वूवी, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है क्या? है कि नहीं, है कि नहीं, तुम लोग के साथ भी होता है ऐसा? बोलो, कितना कोइंसिडेंस है ना। तो एग्जाम के बाद तो पता नहीं यार नींद आती नहीं है फॉर सम रीजन राधिका जी, तो इसलिए स्लीप करना चाहेंगे। शौनक केडिया भी बोल रहा है बट यार नींद आएगी नहीं यार एकदम। चलो गौरव भी बोल रहा है फुल एंजॉय करेंगे यार, पब्लिक यहाँ पे एकदम एक्साइटेड लग रहा है मुझे, प्लान बनाएंगे कि रात में निकलते हैं बाहर खाने पीने, जय बात। ओके आदित्य की बात ये लोग ने सुन ली, तो चलो ऐसा क्यों होता है पता नहीं यार, ऐसा क्यों होता है, बट होता है सबके साथ है कि एग्जाम के वक्त और पढ़ाई करते वक्त इतनी नींद आती है, उतना ही एग्जाम देने के बाद नींद उड़ जाती है पता नहीं कहां पे। खैर दैट्स द लॉ ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ एग्जाम, सबके साथ होता है। तो अब इन्होंने पीके पीएम और शैम्बिल ने सोचा कि लेट अस नाउ प्लान फॉर समथिंग। शाम के 5:30 बजे है,
अभी चलो घर पे जाते हैं, और शाम को जैसे आदित्य अग्रवाल ने कहा, आदित्य क्या बोल रहा है बताया क्या? आदित्य बोल रहा है कि सर ऐसा करते हैं ना कि अपन लोग, ये लोग तीनों को बोलते हैं कि यार कहीं बाहर मस्त खाना पीने जाओ यार, इतने दिन से तुम लोग ने बाहर खाना पीने नहीं गए हो। तो पीके पीएम शैम्बिल एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं चलो सर चलते हैं। क्या बोलते हो पीके पीएम और शैम्बिल, चलना है क्या इधर कोई रेस्टोरेंट में अपने को खाना खाने के लिए? मस्त बाहर का बहुत खाए हुए दिन हो गया अपने को वैसे भी, राइट? चलो, तो तीनों ने डिसाइड किया कि ये लोग तीनों जाएंगे आस पास के रेस्टोरेंट में, जी हाँ रेस्टोरेंट में, और वहां पे जाके खाना खाएंगे, धूम मचाएंगे, वहां पे जाके खाना खाएंगे, धूम मचाएंगे। चल तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं। ठीक है, तो चलो आओ चलते हैं, एंड लेट्स सी क्या मस्ती होती है। तो अराउंड इवनिंग 7:30 सब लोग, अब देखो 5:30 तक तो लोग सेंटर पे ही थे, 6 बजे तक घर पे पहुंचे, थोड़ा फ्रेश व्रेश हुए, एकदम रिलैक्स किया, आधा घंटा पावर नैप ले लिया काइंड ऑफ, और फिर 7:30 बजे तैयार होके सब रेडी है जाने के लिए। यस, कहाँ पे गए वो लोग? तो आसपास के एक रेस्टोरेंट में गए। कौन से रेस्टोरेंट में जाओगे बताओ भैया? प्रत्यांशी जी बताइए, आप बताइए कौन से रेस्टोरेंट में, आपके घर के आसपास कौन सा रेस्टोरेंट में जिसमें आप जाना चाहेंगे? चलो तो कौन से रेस्टोरेंट में जाओगे बताओ? टिप्सी, ये किधर है? टिप्सी पिप्सी पीके बोल रहा है टिप्सी पे चलते हैं सर, मुझे नहीं पता कहाँ पे है टिप्सी। अच्छा प्रत्यांशी बोल रही है जिप्सी, दोनों आसपास में रहते हो क्या? गौरव बोल रहे हैं कि सर होटल ताज में चलते हैं। चलेंगे भाई, पहले सीए बन जाने दे, सीए बनने के पहले होटल ताज में जाने की औकात ना होती है। डूड रेस्टोरेंट, ओ भाई ये नहीं पता हमारे को। तो हम लोग प्रत्यांशी और प्रशांत का जो कुछ कॉमन रेस्टोरेंट मुझे लग रहा है, उस रेस्टोरेंट में चलते हैं जिस रेस्टोरेंट का नाम है जिप्सी। ठीक है, इस रेस्टोरेंट का नाम है जिप्सी। तो जिप्सी रेस्टोरेंट में पहुंच गए हैं, जिप्सी रेस्टोरेंट में पहुंच गए हमारे तीनों दोस्त प्रत्यांशी प्रशांत और शम्बिल, और तीनों ने सोचा कि चलो भाई कुछ ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या ऑर्डर की जाएगी, क्या लगता है सबसे पहली चीज क्या ऑर्डर की जाएगी? तो तीनों ने बोला यार बहुत दिन से बाहर का सूप नहीं पिया है, चलो सूप और स्टार्टर थोड़ा ऑर्डर करते हैं। तो उन्होंने ऑर्डर करना चालू किया सूप। पीके, मैं प्रशांत को पूछ रहा हूँ, प्रशांत कौन सा सूप आप ऑर्डर करना चाहेंगे? बोलिए प्रशांत जी, कौन सा सूप ऑर्डर करना चाहेंगे आप? ओके, प्रशांत जी बोल रहे हैं कि सर हम ऑर्डर करना चाहेंगे मनचाओ सूप, मनचाओ सूप। ठीक है, प्रत्यांशी जी को पूछा, प्रत्यांशी जी आप कौन सा ऑर्डर करेंगी, सूप कौन सा ऑर्डर करेंगी आप? प्रत्यांशी जी बोल रही है सर टोमेटो, झोमेटो नहीं सर टोमेटो ऑर्डर करूंगी मैं। ओके, और शैम्बिल को पूछते हैं, अब अपन लोग यूजुअली है ना फ्रेंड्स लोग जाते हैं ना, तो फ्रेंड्स लोग में तो मैं आपको बता रहा हूं अपना आदत होता है कि अपन लोग कुछ ना कुछ अलग अलग वैरायटी मंगाते हैं यार, और वो वैरायटी खाने में मजा आता है, थोड़ा मैं इसमें से थोड़ा खा लेता हूँ, थोड़ा वो उस मेरे में से खा लेता है, ऐसे करके हम लोग मंगाते हैं, मजा आता है। तो पीके ने मनचाओ मंगाया, पीएम ने टोमेटो मंगाया, शम्बिल मंगा रहा है स्वीट कॉर्न, अब वही एक बच्चा है तो वो मंगा रहा है स्वीट कॉर्न। आर यू क्लियर एवरीवन? चलो तो ये तीनों ने ऑर्डर कर दिया है, ये तीनों ने ऑर्डर कर दिया है। ओके, इसके बाद सूप तो चलो हो गया, सूप के बाद अभी क्या ऑर्डर करना है? तो सूप के बाद टॉम यम सूप, नहीं वो मनचाओ मतलब टॉम यम जैसा ही हो गया। टोमेटो हो गया, स्वीट कॉर्न हो गया, तीनों अलग अलग वैरायटी हो गया। अब देखो, अब वो लोग सोच रहे हैं कि क्या ऑर्डर करें, और अब वो एक बोल रहा है कि पनीर की सब्जी मंगाओ, एक बोल रहा है मिक्स वेजिटेबल मंगाओ, एक बोल रहा है पराठा मंगाओ, एक बोल रहा है नान मंगाओ, बहुत कंफ्यूजन है। तो वहां का जो वेटर था ना, वेटर वो ये लोग की बातें सुन रहा था। वेटर ने आके बोला हेलो सर, हेलो पीके सर, पीएम मैम एंड शाम्बिल सर, व्हाई डोंट यू ऑर्डर फॉर अ थाली? तो उन्होंने पूछा ये थाली में क्या आएगा?
तो वेटर ने बोला कि थाली में सारी चीजें आ जाएंगी, पनीर का सब्जी भी आ जाएगा, मिक्स वेजिटेबल भी, दाल, राइस, कढ़ी, स्वीट्स, डेजर्ट सब आ जाएगा उसके अंदर। स्वीट्स आ जाएगा, डेजर्ट तो नहीं बट स्वीट्स आ जाएगा, एवरीथिंग, पूरा मेन कोर्स आ जाएगा। सर आप वही ऑर्डर कीजिए, बेस्ट रहेगा आपके लिए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, यार इतने दिन से बाहर का नहीं खाया, इतना सारा वैरायटी तो खाने में मजा आ जाएगा। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। क्या ऑर्डर कर दिया? थाली ऑर्डर कर दी। यस, तीनों ने ऑर्डर कर दी थाली थाली थाली। यस, सो अब मेन कोर्स की बारी है। अब मेन कोर्स की बारी है और तीनों ने मेन कोर्स में ऑर्डर किया। देखो, एक ने ऑर्डर किया पंजाबी थाली, एक ने ऑर्डर किया पंजाबी थाली, एक ने ऑर्डर किया गुजराती थाली और एक ने ऑर्डर किया राजस्थानी थाली। एक ने ऑर्डर किया राजस्थानी थाली। हाँ, तीनों की थाली पे इतनी सारी वैरायटी थी, मजा आ गया। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है, सर हम कहीं गलत लेक्चर में तो नहीं आ गए? मालूम पड़ा आज होटल मैनेजमेंट का लेक्चर है और आपने हमारे को बुला लिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं है ना? मैं बोल रहा हूँ, अरे नहीं बाबा, होटल मैनेजमेंट का लेक्चर नहीं है, ये तुम्हारे भाई का ही लेक्चर है, कॉस्टिंग का। ओके ओके ओके, चलो डन। तो तीनों ने ऑर्डर कर दी है अपनी अपनी थाली और अब तीनों की बारी है डेजर्ट ऑर्डर करने की। चलो अब बताओ क्या डेजर्ट ऑर्डर करने वाले हो तीनों? बोलो, पीके बोल, क्या डेजर्ट ऑर्डर करेगा? क्या बोलता है? सिजलिंग ब्राउनी। ओ हो, क्या बात है पीके। तो पीके ने ऑर्डर कर दिया है सिजलिंग ब्राउनी, ठीक है। और हमारे प्रत्यांशी जी ने बोला कि मेरे को तो ज्यादा ये सब नहीं चाहिए, मैं तो वनीला खाऊंगी। और शम्बिल है ना, शम्बिल, उसको थोड़ा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है, तो वो है ना थोड़ा यू कैन से ठंडी चीजें नहीं खा सकता है। तो उसने बोला, यार मैं तो फिर कुछ भी ऑर्डर नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को अगर गला पकड़ लिया मेरे लिए यार तकलीफ की बात हो जाएगी, और अभी तो मेरे वेकेशन स्टार्ट हुए भाई, आज ही तो एग्जाम खत्म हुआ है, अभी तो वेकेशन स्टार्ट हुए, तो नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए। तो अब तीनों के तीनों कंफ्यूज्ड है, तीनों के तीनों कंफ्यूज्ड है कि सॉरी कंफ्यूज तो नहीं बोलूंगा, तीनों के तीनों अब लग रहा है कि हाश, आहा, इतना मस्त खाना खा लिया, सूप पी लिया और डेजर्ट खा लिया। सर डेजर्ट में तो मजा आ गया सर, आहा, सुपर। अब क्या करेंगे, अब क्या ऑर्डर करेंगे बताओ मेरे को? कुछ बचा है ऑर्डर करने के लिए? अरे बोलो बोलो, टेल टेल, अरे बोलो यार। शौनक केड़िया, अबे और कितना पिएगा, ये तेरे मेन कोर्स में ऑलरेडी था, छाछ भी था और वो सब था बस, ठीक है। चलो अब सर, सुयश एकदम सही चीज बोल रहा है, बड़ा ही समझदार बच्चा है, वो बोल रहा है सर अब बिल मंगा लेते, सर हो गया अब अपना काम। हाँ, तो अब तीनों ने ऑर्डर कर दिया है बिल, तीनों ने ऑर्डर कर दिया है बिल। तो उन्होंने बोला, हे वेटर वेटर, जाओ जाके बिल लेकर आओ। आपको पता है ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये लोग बिल नहीं बोलते, ये लोग बोलते हैं चेक लेकर आओ, चेक, ठीक है ना। तो आप लोग ने भी ऐसे ही शायद बोल दिया होगा कि भाई चलो, ए वेटर जाओ जाके बिल, नहीं, क्या बोलते हैं इसको, चेक, चेक लेकर आओ, जाओ जाके चेक लेकर आओ। ओके, तो अब वो वेटर टोटल करने लगा, तो आप मुझे बताओ क्या टोटल आ रहा है। तो उसने देखा कि यार मंचाव सूप का बिल में मेनू में देखा तो 150 का था, टोमेटो सूप का 100, और स्वीट कॉर्न तो बेचारा क्या होता है, सफेद सफेद होता है, होता ही क्या है उसमें, तो से फॉर एग्जाम्पल वो तो 75 का। तो ये टोटल कितना हुआ? 225।
थाली, कोई भी दुनिया का थाली मंगा उस होटल में 300 रुपया ही है, तो 900 इसका हुआ। सिजलिंग ब्राउनी का हुआ 200 रुपया, और वनीला का हुआ 100 रुपीज, तो इसका हो गया 300। टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, बोलो बोलो, चल चल। हाँ भाई, टोटल कितना हो गया? सो 900 प्लस 300 प्लस 225, तो 1425 हुआ। और उन्होंने 75 रुपीज का टिप रखा, 75 रुपीज का टिप रखा। तीनों का बिल, दिल बहुत बड़ा है, और उनका टोटल बिल आ गया, उनका टोटल बिल आ गया रुपीज 1500। एंड उनका टोटल बिल आ गया रुपीज, अच्छा इसका 325 है, ओके ओके, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, भावनाओं में मैं बह गया। तो 325, तो 900 प्लस 325 प्लस 300, तो 1525, 1525 हो गया, ठीक है, प्लस 5% जीएसटी। अरे यार, ले 5% जीएसटी, 1600, ठीक है, उतने का बिल आ गया। चलो, तो टोटल बिल हो गया उनका रुपीज 1600 का, कितने का, 1600 का बिल आ गया। ओके ओके, अरे हाँ या ना तो बता दो, यस सर, ओके। अब आप लोग मुझे दिल पे हाथ रख के बोलना, जब आप लोग आपके फ्रेंड्स के साथ जाते हो और टोटल बिल आया 1600, ठीक है, 1600 प्लस से 51 रुपीज का आप लोग टिप रख दोगे। अरे हाँ, 50 रुपए का टिप रख दोगे, दिल बड़ा है आप लोगों का अभी, तो 1650 का मैं बोलता हूं टोटल बिल आया है, 1650 का टोटल बिल आया है। आप मेरे को बताओ, ये 1650 का टोटल बिल आप कैसे डिवाइड करोगे? दिल पे हाथ रख के जेन्युइनली बोलना, दिल पे हाथ रख के। ये कितना हुआ, कितना टोटल, 325 प्लस 900 प्लस 300, ये जीएसटी बीएसटी हटाओ रे। जीएसटी बीएसटी हटाओ रे। चलो, तो कितना, 1575 हुआ। तो वन फाइव टू फाइव प्लस 50 रुपए का बिल, तो हो गया 1575, कितना हो गया, 1575। तो 1525 प्लस 50, 1575। अब आप लोग बताओ, अब आप लोग बताओ क्या करते हो आप लोग, कहना इससे, अगर हम लोग तीन फ्रेंड्स गए हैं तो सर 1575 आया है, हम लोग डिवाइड बाय 3 कर देंगे, हम लोग डिवाइड बाय, हम लोग डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो 1575 डिवाइड बाय 3 हो जाता है रुपीज 525 पर है। तीनों ने अपने जेब में से, तीनों ने, किन तीनों ने, पीके ने अपने जेब में से 525 निकाला। हमारे जो पीएम थे, पीएम थी, उन्होंने 525 निकाला, और शाम्बिल भैया ने भी 525 निकाला, उधर रख दिया, 1575 हो गया। एंड तीनों निकल गए। जैसे ही तीनों बाहर निकले, ये जो शाम्बिल है ना, इसके दिमाग का शॉट हो गया। शाम्बिल बोला, भाई ये क्या, मेरे को तो कहीं लोगों ने खुफिया बना दिया इन दोनों ने। क्योंकि शाम्बिल बोला कि सर 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 ये क्या सर, तीनों ने खाया, हम लोग ने कुछ और बिल पे किया 525 डिवाइड बाय 3 करके। तो मैं बोला, क्यों क्या हुआ? तो बोला, शम्बिल बोलता है, सर देखो सर, अगर आप नोट करोगे ना, तो मैंने तो 375 का खाया है सर, अगर ये प्रियांशी का देखोगे तो उसने 500 का खाया है, और सर ये प्रशांत तो देखो शाणा 650 का खा गया। तो एक्चुअल में भाई पे कितना किया, इतना पे किया, इतना पे किया, और एक्चुअल ईटिंग कितना किया, एक्चुअल इतना ईटिंग कितना किया, ये शाणे पीके ने 650 खाया, पीएम ने बिचारी ने जितना खाया उतना पे किया, पर शाम्बिल को देखो बेचारे को, खाया खाली 375 का, और 125 का पे करना पड़ा। खाली
कहीं ये शाम्बेल मारवाड़ी तो नहीं, इसलिए इतना दिमाग लगा रहा है। अरे अरे शाम्बेल, उसको बहुत उसको बुरा लगा, दिल से बुरा लगता है सर। उसको लगा कि ये क्या मेरे साथ चीटिंग हुआ है, साला मेरे को टॉन्सिल था इसके लिए मैं आइसक्रीम भी नहीं खाया और फिर भी हम लोग ने तीनों में डिवाइड कर दिया। क्या तुम लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या जैसा शाम्बेल के साथ हो रहा है? सच्ची अच्छी बोलो, तुम लोग के साथ भी कभी ऐसा हुआ है क्या? पीके रॉक शाम्बेल सॉक्स, आई नो यार, देखो ना। यस सो हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हम लोग के साथ भी हुआ है कभी कभी सर। कुछ कुछ फ्रेंड्स है सर, वो लोग तो है ना ऐसा खाते हैं, हम लोग इतना खा नहीं पाते और हम लोग को एंड में डिवाइड बाय 3 करना पड़ता है सर, क्या फायदा? एकदम दिल की बात आ गई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब शम्बिल सोच रहा है सर, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए कि अभी नेक्स्ट टाइम मैं पीके को ले जाऊं और पीके की तबीयत खराब हो और मैं बहुत सारा खा जाऊं और पीके से डिवाइड बाय 2 करवाऊं, तब समझेगा। अच्छा तो कभी कभार ऐसा हो जाता है तो लगता है बुरा यार, कि लगता है शेट मैंने ज्यादा कर दिया, पे कर दिया। बट अब अपने को यहाँ पे सोचना है कॉस्टिंग के एंगल से, अब अपने को यहाँ पे सोचना है किसके एंगल से बेटा, अब अपने को सोचना है कॉस्टिंग के एंगल से। अब आप कॉस्टिंग के एंगल से अगर सोचते हो गाइस, अब अगर आप कॉस्टिंग के एंगल से सोचते हो, देन इन दैट केस दिमाग लगाना। आपने पे किया 525 का पर आपने खाया 650 का, आप मेरे को बताओ क्या पीके के साथ सही कॉस्टिंग हुआ है क्या? बोलो बोलो, टेल टेल, क्या पीके के साथ, क्या पीके के साथ सही कॉस्टिंग हुआ है क्या मित्रों? आप लोग खुद सोच समझ के बताओ। पीके को पे करना चाहिए था 650 पर शाने ने पे किया है खाली 525। क्या पीएम के साथ सही कॉस्टिंग हुआ है क्या? ऑलमोस्ट 500 पे करना था, 525 पे किया। क्या हमारे बेचारे शम्बिल के साथ सही कॉस्टिंग हुआ है क्या? उसके साथ भी सही कॉस्टिंग नहीं हुआ है। एंड दिस इज वेयर मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम इज। लोगों के कॉस्टिंग के फंडामेंटल्स ही इतने क्लियर नहीं होते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्टिंग प्रॉपरली, जिसकी वजह से ऑल द थिंग्स गो फॉर अ टॉस, सब गलत हो जाता है। आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ क्या कॉस्ट आना चाहिए था पीके का? कैन आई से 650 पर पीके ने पे किया है खाली 525। पीके के साथ ओवर कॉस्टिंग हुआ है या अंडर कॉस्टिंग हुआ है? सर अभी तक तो आपने कॉस्टिंग पढ़ाया भी नहीं और हम लोग से ये ओवर कॉस्टिंग अंडर कॉस्टिंग, यस एंड देखना तुम लोग सही जवाब दोगे। बोलो सोच समझ के जवाब दो, क्या लगता है आपको, पीके के साथ ओवर कॉस्टिंग हुआ है या अंडर कॉस्टिंग हुआ है? बोलो बोलो, चल चल। कैन आई से पीके के साथ अंडर कॉस्टिंग हुआ है? उसको साले को कॉस्ट इंकर करना चाहिए था 650 पर वो तो खाली 525 का कॉस्ट इंकर किया उसने। जी हाँ, अगर आपने देखो कॉस्ट को बराबर से डिवाइड नहीं किया, ठीक है, और आपने एक ही बस एक बेसिस ले लिया, डिवाइड बाय 3 लेके कर दिया, देन इन दैट केस इट विल रिजल्ट इन समथिंग कॉल्ड एज अंडर कॉस्टिंग। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर कॉस्टिंग, पीएम के केस में करेक्ट कॉस्टिंग, और शम्बिल के केस में क्या हो गया, ये हो गया बेचारे को एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ गया, इसको कहते हैं ओवर कॉस्टिंग। ए समझिगड़ू एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को बेटा? हाँ बेटा, हाँ। सो अगर यहाँ पे मेरा फंडामेंटल नंबर 1 जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ना, वो अब मैं ऑलमोस्ट डेरिवेशन के कगार पर हूं। पहला फंडामेंटल कॉस्टिंग का बोलता है मित्रों, पहला फंडामेंटल कॉस्टिंग का बोलता है दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंजम्पशन। क्या यहां पे पीके ने, अरे ऑलमोस्ट करेक्ट, पीके का पीएम का मतलब देख, 500 रुपए का उसने खाया और 25 रुपए का टिप दिया ना, 25 रुपए का टिप, तो उसने टोटल 525 का खर्चा किया और 525 पे किया, तो ऑलमोस्ट सेम ही हो गया ना,
रिया और प्रशांत, समझे क्या तुम लोग? ऑलमोस्ट 15-20 रुपए का उसने टिप दिया रे पीएम ने। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मत देखो रे, 2-5 रुपया इधर उधर मेरे से छुट्टा ले लो रे। चल ठीक है, तो अब यहां पे पहला फंडामेंटल पे आ रहा हूं मैं, दैट यहां पे कॉस्ट क्या सही तरीके से चार्ज हुई है क्या? द आंसर इज नो। पीके के केस में, शामिल के केस में सही तरीके से कॉस्ट को चार्ज नहीं किया गया है, एंड दैट इज आर फर्स्ट फंडामेंटल, दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज करेक्टली। बट कैसे करेक्टली चार्ज करोगे? कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, कंजम्पशन एंड यस कंजम्पशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को एवरीबॉडी, यस और नो? सो आप कॉस्ट कैसे चार्ज करोगे, आप कॉस्ट कैसे चार्ज करोगे, बोलो बोलो चल चल। यस, कॉस्ट शुड बी चार्ज। देखो अभी अगर मैं यहां पे यही पूरा सिनारियो वापस से बनाता हूं, ये सिनारियो में सपोज मैं अगले पेज पे बनाता हूं तो क्या होगा सिचुएशन देखना। देखना सिचुएशन क्या हो रहा है, एक केस में अंडर कॉस्टिंग, एक केस में ओवर कॉस्टिंग, एक केस में करेक्ट कॉस्टिंग, तीन में से दो इनकरेक्ट कॉस्टिंग है, एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज कॉल्ड एज इनकरेक्ट कॉस्टिंग। और ये क्यों हुआ पता है? क्योंकि आपने कॉस्ट को डिवाइड कर दिया एक जनरल बेसिस पे। तो आज के बाद क्या कॉस्ट को जनरल बेसिस पे डिवाइड करोगे या उसके कंजम्पशन के बेसिस पे डिवाइड करोगे? अगर कंजम्पशन के बेसिस पे डिवाइड किया होता, देन इन दैट केस पीके के पास से आप 650 लेते और शंबिल के पास से आप खाली 375 लेते। पुष्पा अब ये अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हो? इससे अपने को दो चीज समझ में आई, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 कॉस्टिंग के। ये बेसिक रूल्स कभी जिंदगी में मत भूलना, कितने भी बड़े हो जाओ। रूल नंबर 1 बोलता है कॉस्ट शुड नॉट बी चार्ज्ड ऑन अ जनरल बेसिस। अपन लोग ने ये एक जनरल बेस लिया 3 का और कॉस्ट को चार्ज कर दिया, क्या सही किया क्या? नहीं। तो ये रूल नंबर 1 है दैट कॉस्ट शुड नॉट बी चार्ज्ड ऑन अ ऑन एनी जनरल बेसिस, इट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन करेक्ट। क्या अभी कभी जिंदगी में भूलोगे क्या ये एग्जाम्पल? और ये एग्जाम्पल से कनेक्टेड आप लोग को जो कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको बता रहा हूं ना। आज भी 5-5 साल पहले पढ़े हुए स्टूडेंट भी मुझे आज कभी रोड पे ऐसे मिल जाए तो बोलते हैं, अरे सर कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो रूल नंबर 1, चलो पहले रूल नंबर 1 लिखते हैं, कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंजम्पशन, एंड रूल नंबर 2 है कॉस्ट शुड नॉट बी चार्ज्ड ऑन एनी जनरल बेसिस, कॉस्ट शुड नॉट बी चार्ज्ड ऑन एनी जनरल बेसिस, ऑन एनी जनरल बेसिस। ए समझी? समझ में आया तुम लोग को? डन है, एग्जाम्पल क्लियर है, समझ में आया कि कहां अंडर कॉस्टिंग कहां ओवर कॉस्टिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है अंडर कॉस्टिंग? क्योंकि भाई साहब ने खाया तो कितना है और पे कितना कम किया है। Got it, guys? Got it, got it?
डन, याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट हमेशा। सो पहला रूल क्या समझे, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। दूसरा रूल, कॉस्ट शुड बी नॉट बी चार्ज ऑन एनी जनरल बेसिस। नहीं, ऐसे आज के बाद कभी होने मत देना। कहीं भी तुम लोग जाओगे ना तो देखने का भाई कॉस्ट सही तरीके से चार्ज हो रहा है कि नहीं, और वो सही तरीका क्या है वो सिखाने के लिए आने वाले 2-3 महीने तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो अब आप बोलोगे कि सर दोस्त लोग जा रहे हैं तो दोस्त लोग के साथ तो सर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। सर आज पीके ने ज्यादा का खा लिया, कम पे किया, कल शामिल के साथ भी ऐसा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सर आप ऐसे तो दोस्तों के बीच में दरार डाल रहे हो। मैं बोल रहा अच्छा ठीक है, दोस्तों के साथ मत करना। बट अगर मैं आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बता दूं जहां पे बिजनेसेस में भी आज की तारीख में ये हो रहा है, तो फिर तो आप मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? बोलो मानोगे कि नहीं मानोगे? चलो आओ मैं बताऊं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेसेस जहां पे ये चीज गलत हो रही है, क्योंकि वहां पे आपके और मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। तो अपन जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, अपना पहला काम है कि हर कंपनी जिसमें भी अपन लोग जा रहे हैं उसका कॉस्टिंग टेक्निक एकदम सही होना चाहिए, अदरवाइज चीजें गलत हो जाएंगी। बता रहा हूं मैं आपको, गॉट इट? बताओ चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलूं मैं गाइस, क्या बोलते हो, चलेंगे? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 2 करवा देता हूं मैं, ध्यान से सुनना ये मेरा एग्जाम्पल। अब तक तो चलो फ्रेंड्स के बीच की बातें थी, ठीक है? क्या था मेरा एग्जाम्पल? रेस्टोरेंट के साथ, रेस्टोरेंट का साथ। रेस्टोरेंट का साथ एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं, एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इज रिलेटेड टू बैंक्स। और ये प्रैक्टिकल मैं आप लोग को एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग को चाहिए ना तो अपने घर पे जाके अपने पेरेंट्स को पूछ लेना, उन लोगों को तो इसका आइडिया होगा ही होगा। और ये गलत हो रहा है ये आपको आज मैं दिखाऊंगा, बट आप जब चार्टर्ड बनेंगे ना तब इसको सही कर देना, ये आप लोग की तरफ से वादा चाहिए, ठीक है? चलो रेस्टोरेंट की बात यारों के साथ, ये मेरा एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट की बात यारों के साथ। वाह, चल डन। चलो अब चल रहे अपन लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे, और एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए भी मुझे 3 फ्रेंड्स चाहिए। जिसने भी सबसे पहले मी 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 लिखा वो मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 का प्लेयर बन जाएगा। चलो आओ देखते हैं कौन मेरे लिए लिखता है मी मी मी। वो बनेगा मेरे एग्जाम्पल का किरदार। एंड फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट के प्लेयर है मेरे, प्लेयर नंबर 1 है आदित्य अग्रवाल, आदित्य पलक एंड नानी, ये है मेरे फर्स्ट 3 प्लेयर्स फॉर दिस गेम टुडे। पलक, आदि, नानी। नानी व्हाट अ नेम, नानी सांचा, बात है। चल सो लेट्स स्टार्ट। यस ओके, देखते हैं नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। अब ये है कुछ एग्जाम्पल रिलेटेड टू द बैंक्स, रिलेटेड टू द बैंक्स। अब सुनो बैंक्स के साथ क्या होता है, अब सुनो बैंक्स के साथ क्या सिनारियो है, ध्यान से समझना। चल नाउ इन केस ऑफ बैंक्स,
बात कुछ ऐसी हो जाती है कि उनके बहुत सारे खर्चे होते हैं और उनके बहुत सारे रेवेन्यूज के भी स्ट्रीम्स है। चलो आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ बैंक क्या क्या काम करता है। चलो बताओ बैंक क्या क्या काम करता है या क्या क्या फैसिलिटी देता है अपने को। बोलो बैंक क्या क्या काम करता है और क्या क्या फैसिलिटी देता है, क्या बेनिफिट्स देता है, बताओ आप लोग। आप लोगों को तो पता ही होगा, बैंक बैंक तो गए होगे कभी कि नहीं। हाँ चलो, सो कहना है इसे बैंक आपको फैसिलिटी देता है डिपॉजिट्स का, कि भाई आप बैंक में जाके अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और उसके बदले में बैंक आपको इंटरेस्ट देता। अच्छा वेरी गुड, बैंक आपको लोन का भी फैसिलिटी देता है, तो बैंक आपको लोन भी देगा। और कुछ? एफडीज, वेरी गुड, एफडीज, एफडीज भी मैं इधर ही लिख देता हूँ। चलो यस वेरी गुड, और कुछ और कुछ? और क्या फैसिलिटी देता है बैंक? वेरी गुड, मैं आपको बताता हूं, और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है बैंक की, एंड दैट इज ATM। सुना है तुम लोग ने, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या इसको अपन बोल सकते हैं एनी टाइम मनी। एनी टाइम मनी नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, बट मैं इसको ATM एनी टाइम मनी ऐसे ही प्यार से बोलता हूं। क्या बैंक ये फैसिलिटी सबको देता है कि नहीं देता है, हाँ कि ना? तो आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, आपको एक डेबिट कार्ड मिलेगा, वो डेबिट कार्ड आपको बैंक में जाके दिखाना है, और बैंक के ATM में जितना भी पैसा होगा आपका, उसमें से आपको जितना चाहिए होगा वो आप विड्रॉ कर सकते हो, एंड दैट इज द बेनिफिट द ATM फैसिलिटी, एनी टाइम मनी फैसिलिटी गिव्स यू, हाँ कि ना? अच्छा अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन, क्या ये ATM सेटअप करने के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं क्या? क्या ये ATM सेटअप करने के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं, हाँ या ना? बराबर है, क्या ये चार्जेस बैंक खुद बेयर करता है या बोलता है कस्टमर को चलो आप बेयर करो? क्या इस ATM के का कुछ चार्जेस कस्टमर को बेयर करना पड़ता है क्या? बोलो हाँ या ना? सीधी सी बात है, बोलते ना एक देर आर नो फ्री लंचेस, तो बैंक खुद क्यों बेयर करेगा? बैंक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और उसके लिए वो आपको कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, उसके लिए वो आपको कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, बराबर है? तो से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो आपको चार्ज करेगा से ₹5,000, फिक्स्ड ₹5,000। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल हमारे जो तीन लोग है, पलक आदि और नानी, पलक आदि और नानी तीनों के तीनों ATM का सर्विसेज यूज कर रहे हैं, और तीनों के तीनों ATM के लिए ATM चार्जेस पे कर रहे हैं, ATM चार्जेस पे कर रहे हैं 5,000, 5,000 एंड 5,000, ठीक है? ठीक है, सो तीनों ने 5,000, 5,000, 5,000 रुपीज का ATM चार्जेस पे कर दिया है, और ये एक्चुअली ऐसा ही होता है, ठीक है? तुम लोग के पेरेंट्स का कभी बैंक स्टेटमेंट देखना, शायद वो बैंक स्टेटमेंट ना दे, बट उनको खाली इतना पूछ लेना कि क्या आपको एवरी मंथ योर एंड पे कुछ ATM चार्जेस डेबिट होता है क्या, एंड दे विल टेल यू हाँ होता है, होता है, एंड सबका एक ही चार्जेस डेबिट होता है, पलक का भी 5,000 हुआ है, आदि का भी, नानी का भी। से फॉर एग्जाम्पल मेरा भी HDFC बैंक में, और आपके कोई, से फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट का भी HDFC बैंक में, तो आपके भी अकाउंट से 5,000 डेबिट होगा ATM चार्जेस HDFC बैंक, आपके फ्रेंड का भी ATM है, HDFC का ATM है, उसके भी अकाउंट से 5,000 रुपीज डेबिट होगा। बट अब मैं आपको रियल सिनारियो बताता हूं, अब मैं आपको रियल सिनारियो बताता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो पलक है ना, हमारी पलक कहां गई? पलक 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 कहाँ गई भाई पलक? एक सेकंड ना, ये हाँ, ये जो पलक कालरा है, पलक कालरा कहां से? आप दिल्ली से है? चलो ये जो पलक कालरा है, इस पलक कालरा की मैं आपको बात बताता हूं। पलक कालरा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यस क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है पलक कालरा जी, बहुत बहुत बधाई हो पलक जी आपको।
पलक इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड पलक आपको पता है जैसे ही सीए बनी उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया दिल्ली में, और वहां से उसको ऑफर आया और सीधा वो वहां से चली गई सिंगापुर, सीधा वो वहां से चली गई उड़ के सिंगापुर। ठीक है, तो आज की तारीख में पलक कहां पे काम कर रही है? सिंगापुर में। लास्ट 3 साल से पलक आई नहीं है इंडिया में, क्योंकि क्योंकि उसके पास वहां पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से उसको इंडिया में आना अभी फिलहाल टाइम नहीं मिल पा रहा है। सर अलग बैंक में हो तो फिर भी सेम ही अमाउंट डिडक्ट होता है क्या? नहीं, तो फिर सब बैंक का अपना अपना होता है, बट वो ही बैंक के जितने भी कस्टमर है ना, जितने भी बैंक होल्डर्स है, उनका सेम अमाउंट डिडक्ट होता है। अब पलक की मैं बात कर रहा था, तो पलक जी 3 साल से इंडिया में आई नहीं है, ठीक है, तो उसने एटीएम को कितनी बार यूज किया होगा? आप लोग मुझे सोच समझ के बताओ, पलक ने एटीएम को कितनी बार यूज किया होगा? पलक ने कितनी बार एटीएम को यूज किया होगा? बोलो क्या लगता है? ओ मिस्टर जीवनानी कह रहे हैं 0 0। यस, सेम बैंक के सेम कस्टमर्स का सेम एटीएम चार्जेस, तो ये लोग तीनों तो सेम ही बैंक है, तीनों के तीनों एचडीएफसी बैंक के क्लाइंट्स है, राइट? ओके, सो पलक ने यूज किया है कितना? 0। अच्छा, आदि, आदि के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आदि है ना बैंक के जस्ट बाजू वाली बिल्डिंग में रहता है, और वो जब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन किया पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम आदि ने सोच लिया कि मैं अब कैश रखूंगा ही नहीं इंडिया में, मेरे घर पे, सॉरी इंडिया में बोल रहा हूं, ललित मोदी थोड़ी है वो, सुनो सुनो। सो आदि ने, नहीं, सेम ब्रांच होने की जरूरत नहीं है, अगर समझो मैं एचडीएफसी बैंक में मेरा अकाउंट है तो दुनिया के कोने का कोई भी एचडीएफसी बैंक को मैं वहां पे जाके एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसका चार्जेस वही 5,000, तो वैसा है। बट पलक ने, पलक तो इंडिया में है ही नहीं, सिंगापुर में है, तो सिंगापुर में उसको एक भी, उसने अभी तक इंडिया में आई नहीं है वो 3 साल से, तो उसने यूज ही नहीं किया है। अब आदि की मैं बात करता हूं, तो आदि ने बोला कि मैं तो भाई अपने पास कैश रखता ही नहीं हूं, तो आदि क्या करता है, हफ्ते में 3 बार जस्ट उसके बिल्डिंग जहां पे वो रहता है उसके जस्ट बगल में, जस्ट नियर बाय, बाजू में देयर इज अ एटीएम, एंड वो एटीएम से उसने पैसा विड्रॉ कर देता है वो, तो वो हफ्ते में 2 से 3 बार जाता है। आप मुझे बताइए कि आदि पूरे साल में कितनी बार गया होगा? हर 2 दिन में वो जाता है, 2,000 विड्रॉ करता है, यूज करता है, 2 दिन यूज हो गया, चलो वापस से गया, 1-2 हजार विड्रॉ किया, बाजू में ही है ना, कभी भी जा सकता है, समझ रहे हैं? तो ऐसा सीन है। तो आप मुझे बताओ आदि कितनी बार यूज करेगा बैंक के एटीएम को, क्या लगता है आपको? हाँ, क्या लगता है? ओ 140 to 150 times, ऐसा नानी सांचा बोल रहा है, चलो वील गो हेड विद नानी सांचा। एंड आदि ने यूज किया अप्रोक्सीमेटली 150 times, आदि ने यूज किया अप्रोक्सीमेटली 150 times, इट कुड बी 160, इट कुड बी 140 ऑल्सो, आजू बाजू में। चलो, एंड थर्ड थर्ड है हमारे नानी सांचा जी। आपको बता दूं, नानी सांचा जी एक आर्टिकल शिफ्ट कर रहे हैं एक छोटी सी फर्म में, एक छोटी सी सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, और उनके फर्म में एक साधारण सा एसी, एयर कंडीशनर भी नहीं है। तो नानी सांचा क्या करता है पता है? नानी सांचा वो ही बिल्डिंग में है आर्टिकलशिप कर रहा है जो बिल्डिंग में बैंक का एटीएम है, ठीक है, तो नानी सांचा रोज खाना खाता है, खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए वो ये एटीएम में आ जाता है, वो ये एटीएम में आ जाता है। क्यों आता है वो ये एटीएम? एनी आइडिया? नानी सांचा को अगर तुम जानते हो तो, नानी सांचा आता है एटीएम में एसी के हवा के लिए। नानी सांचा बोल रहा है सर हमारे तो ऑफिस में एसी है ही नहीं,
और इतना गर्मी का मौसम है सर, मेरे को यार लगता है कि मैं कैसे इसमें यूज कर सकूं मेरे एटीएम को। हाँ, तो एसी का हवा खाने के लिए ये नानी भाई हमारा चले जाता है। और नानी कितनी बार यूज करता होगा, एनी गैसेस? नानी यूज करता है 365 टाइम्स। जी हाँ, नानी यूज करता है एसी को कितनी टाइम्स? 365 टाइम्स इन अ ईयर, पर एनम, पर एनम, पर एनम, पूरे साल में। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये जो एटीएम चार्जेस चार्ज हो रहे हैं मित्रों, आप मुझे बताओ क्या ये सही चार्ज हो रहे हैं क्या? बोलो बोलो, चल चल। हाँ, जरा भी सही नहीं हो रहा है सर, एकदम गलत हो रहा है। यहाँ पे आप देखो सर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये नानी को तो देखो 365 टाइम्स, ये नानी है ना पलक के ऊपर हंस रहा है। पलक, तूने एटीएम को एक बार भी यूज नहीं किया, फिर भी तुझे 5,000 पे करना पड़ा, और मैं तो रोज जाके एटीएम का हवा खाता हूँ, फिर भी मुझे भी खाली 5,000 पे करना पड़ा। क्या बोलती है पलक? पलक को बहुत गुस्सा आया। पलक ने तब्भी का तब्भी बोला बैंक वालों को, बैंक वालों जाओ जाके संकल्प सर का लेक्चर देखो, तुमको समझ में आएगा कॉस्ट को कैसे चार्ज करते हैं। सही बोल रही है क्या पलक? सही बोल रही है ना? करेक्ट करेक्ट। तो आइडियली आप लोगों के हिसाब से, आइडियली आप लोगों के हिसाब से पलक को कितना पे करना चाहिए बैंक के लिए, बैंक के एटीएम के लिए, आई मीन बैंक के एटीएम के लिए पलक को कितना पे करना चाहिए? चलो आप लोग ही बताओ, कम ऑन, चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिमाग लगा के, एक सीएमए का, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का दिमाग लगा के बताओ क्या करना चाहिए, कितना चार्जेस होना चाहिए पलक को, कितना चार्जेस पे करना चाहिए? कैन आई से जीरो नील बट्टा सन्नाटे? कैन आई से जीरो? अरे हाँ कि ना? डन। अच्छा मुझे बताओ, ये देखो नकुम भी हंस रहा है पलक के ऊपर, सब लोग हंस रहे हैं पलक के ऊपर। ओ पलक कोई बात नहीं, मैं हूं तेरे साथ। तो आइडियली पलक को जीरो पे करना चाहिए, बट बेचारी पे कर रही है 5,000। ये आदि को कितना पे करना चाहिए मैं आपको बताऊं? मैं आपको बताता हूं, देखो सुनो, टोटल ना 15,000 रुपया से फॉर एग्जाम्पल एटीएम का चार्जेस हुआ है, तो आदि ने 150 टाइम्स यूज किया आउट ऑफ टोटल कितनी बार यूज हुआ है? 365 प्लस 150, 365 प्लस 150 टाइम्स यूज हुआ है, तो कैन आई से टोटल आदि ने 15,000 डिवाइड बाय 515 into 150, कैन आई से 4-3 अप्रोक्सीमेटली 4,500-5,000 रुपया उससे चार्ज कर लो यार बेचारे आदि से। तुमको चाहिए तो 5,000 चार्ज कर लो, और ये बाकी का तो है ना, ये नानी के पास से वसूल करना चाहिए। ये नानी ने मेजोरिटी खाया है, पूरा टाइम यूज किया है, एसी का हवा खाया है। हाँ, नॉनसेंस। तो आदि को पे करना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 5,000 एंड नानी को पे करना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 10,000। ए समझ गए? बोलो बोलो, चल चल। गच्चा गच्चा। अरे ये अमाउंट कैसे निकाला उसको छोड़ना, वो मैंने ऐसे ही कुछ भी रैंडमली लिख लिया, अप्रोक्सीमेटली छोड़ना, ये मैंने अंदर कैलकुलेशन किया है, उसको छोड़ दो ना, इसको भूल जाओ। मैंने रफली लिया, रफली 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 कहना है, इसे आदि को 5,000 और नानी को 10,000 भरना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो, कैलकुलेशन को छोड़ दो, वो फिलहाल अपना क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि अभी भी यहाँ पे इनकरेक्ट कॉस्टिंग की वजह से पलक को ओवर कॉस्ट चार्ज किया जा रहा है, नानी को अंडर कॉस्ट चार्ज किया जा रहा है, एंड दिस इज वेयर अपने को एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सही कॉस्टिंग टेक्निक्स को यूज करके
चीजों को सही करना पड़ेगा, यह आपको बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं, यह बताने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि दुनिया में कितना गलत कॉस्ट हो रहा है और वो सही करने के लिए आज आप और मैं मिले हैं। अपने को कई बार है ना अपना इंटेंशन ही नहीं पता होता अपन लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। आज ये सब एग्जाम्पल के थ्रू पहले मैं आप लोगों की आंखें खुलना चाहता हूं दैट गाइज दिस इज द रीजन वी आर स्टडिंग। ठीक है पढ़ तो लेंगे कॉस्टिंग, पढ़ा देगा कोई भी, पर साला पता तो हो तकलीफ क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट आया है, दीज आर द रीजन जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट आया है। एंड गाइज कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये एग्जाम्पल, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये तरीका दैट यस दिस इज हाउ द सिस्टम शुड बी, दिस इज हाउ द सिस्टम शुड बी। तो हमने देखा कि गलत तरीका हो रहा है बैंक्स को चार्ज करने का, बैंक्स गलत तरीके से एटीएम चार्ज कर रही है, चार्जेस चार्ज इनकरेक्ट कॉस्टिंग यूज कर रही है, कहीं पे ओवर कॉस्टिंग है कहीं पे अंडर कॉस्टिंग है। एंड वो चेंज करने के लिए उसको सही करने के लिए आप लोगों को मैं अब बता रहा हूं समथिंग कॉल्ड एज व्हाई डू वी हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, व्हाई डू वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, बिकॉज चीजें गलत हो रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइज, मुझे सब लोग का आंसर चाहिए। काली यशस्वी नानी शुभम ने आंसर दिया, आई वॉन्ट एवरीबडीज आंसर, कम ऑन एवरीबडी। ओपी, ओपी का मतलब क्या होता है, और ये रियल एग्जाम्पल है, सोचो बड़े बड़े बैंक्स में ऐसा हो रहा है, कितना गलत हो रहा है ये। यस, अब छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। यस, आप और मैं मिलकर नई कहानी लिखेंगे ऑफ कॉस्टिंग। एवरीबॉडी कम ऑन एवरीबॉडी, यशस्वी अमेजिंग नाइस एग्जाम्पल, मजा आ गया। ओपी जहर क्या बात है, ओवर पावर्ड, ओके यस बोल गौरव। अच्छा सुपर एक नंबर, ओके नाइस नाइस, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यही तो सुनना है, यही तो चाहिए आप लोगों के पास से गाइस। ओके अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वेरी गुड, अप्रिशिएट दिस। मैंने बोला ना कोई भी चीज को एक्सेप्ट मत करो, कुछ डाउट है तो पूछो। तो यहाँ पे नकुम का क्वेश्चन आया है, सर जब पलक ने एटीएम यूज ही नहीं किया तो चार्ज उसका नानी क्यों भरेगा। पलक का चार्ज नानी नहीं भर रहा है नकुम, नानी ने इतना एक्सेसिवली यूज किया है कि उसका चार्ज आइडियली इतना ज्यादा होना चाहिए था। समझ में आया भाई, समझ में आया नकुम भाई, भाई उसने यूज इतना किया है कि उसको इतना चार्ज बेयर करना चाहिए, हाँ नहीं तो। हाँ जेब बात सर, समझ में आया, ओके। तो कैन आई से यहां पे भी अपन ने देखा के एक्चुअल में पे कितना किया है ये लोग ने, पेड पे कितना किया है उन लोग ने, पलक आदि और नानी पे कितना किया है ये लोग ने, पलक ने कितना पे किया, पलक ने पे कितना किया, 5000 5000 5000, बट आइडियल कंजम्पशन के बितना, एक्चुअल हाउ मच शुड हैव बीन पेड, एक्चुअल हाउ मच शुड हैव बीन पेड, पलक शुड हैव पेड 0, आदि ने जो पे किया सही किया,
और ये नानी से 10,000 वसूल हो रे। सो अब यहाँ पे पता चला बिचारी पलक के साथ तो ओवर कॉस्टिंग हो गया है, खाली 3 में से 2 के साथ तो गलत कॉस्टिंग हो रहा है, खाली 1 के साथ सही कॉस्टिंग हो रहा है, बाकी इधर हो रहा है मेरा अंडर कॉस्टिंग। ए समझ गड़े, गॉट इट गॉट इट। एंड यहां पे भी अपने ये दोनों रूल अप्लाई होंगे, कौन सा, कॉस्ट को आप एक जनरल बेसिस पे चार्ज मत करो। आपका इधर एटीएम का चार्ज कितना आया था, आपका इधर एटीएम का चार्ज, तो से फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लेता हूँ, एटीएम का चार्जेस आया आपका 15,000, से आपका एटीएम का चार्जेस आया यहाँ पे 15,000, आपने क्या किया, डिवाइड बाय 3 कस्टमर थे उसको डिवाइड कर दिया, ₹5,000 पर कस्टमर। पर ये अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत हो गई बात, आपने 5,000 ऐसे रैंडमली चार्ज कर दिया जनरल बेसिस पे, गलत। एंड दैट इज वेयर अगेन रूल 1 एंड रूल 2 अप्लाई होगा। क्या मेरा ये एग्जाम्पल नंबर 2 से आपका ये कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो गया कि नहीं बच्चों, बोलो बोलो, चल चल, जब तक तुम्हारे दिमाग में पूरी तरह से घुसा नहीं देता हूं। बोल रहे ना वो कहावत है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस। ए समझियो एवरीबॉडी, गॉट इट गौरव, तेरा पॉइंट क्लियर हो गया तेरे को, रिया जी क्लियर, चलो डन है डन है डन। सो देखो पहला एग्जांपल में आप लोग भावुक हो गए, इमोशनल हो गए कि सर हमारे फ्रेंड्स के साथ थोड़ी हम ऐसा कुछ करेंगे कि तूने इतने का खाया मैंने इतने का खाया इतने का दे, बट बैंक्स में तो ये चीज होनी चाहिए थी, नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। बोलो सर यहाँ पे भी पहले ही वाले रूल अप्लाई होंगे ना, जी हाँ साहू जी बिल्कुल, आर वी क्लियर एवरीबॉडी, मैं अगर आपको पूछू समझियो तो आपको समझ में आ गई बातें, डन। चलो यस यस यस, तो मेरे इनिशियल एग्जाम्पल्स से ही आपको फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में कुछ अपन हाई लेवल चीजों पे चलेंगे, पहले बेस तो क्लियर करें। कितने लोगों को कॉस्टिंग हो जाता है, ये रूल्स ही नहीं पता होते, ये बेसिक ही नहीं पता होता, तो वो लोग कभी है ना कभी समझो, अभी अभी आज की तारीख में ना देखना, तुम लोग जब बाहर निकलोगे ना घर से, तुम्हारा आंख दिमाग कान खुला ही रखोगे, जहां पे भी कोई भी खर्चा दिखेगा ना तुमको, तुम लोग अपना दिमाग लगाना चालू कर दोगे, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन, कि ये अगर समझो कहीं पे खाने गए तो रेस्टोरेंट वाला कितना उसका कॉस्ट लगता रहेगा, कितना वो अपने को चार्ज करता है, कितना वो प्रॉफिट कमाता है, अब आप लोग वो दिमाग लगाना चालू करोगे, क्योंकि मैंने आप लोग को कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कनेक्ट कर दिया है। आज के बाद आप जब बैंक में जाओगे आप एक्चुअली देखना चालू करोगे कि बैंक कैसे चार्ज कर रहा है एंड उसको कैसे सही किया जा सकता है। ये आप लोग के अंदर मुझे ये एक बोलते हैं ना ऊर्जा, ये एक फायर आप लोग के अंदर मुझे जनरेट करना है। यस एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू दीज एग्जांपल्स। बाकी कॉस्टिंग तो पढ़ते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे चलते रहेगा, बट पहले अंदर वो एक आग तो लगे, बस 150 आप लोग ने मार्क्स मेरे को सौंपा है, पूरा जस्टिस करके दूंगा, आप टेंशन मत लेना उसका। बता रहा हूं माइंड में अब से यही चलेगा, एंड यही तो चाहिए कि भाई पढ़ने में मजा आना चाहिए, बर्डन ना लगे, खुद रिलेट करे अपन, दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर चलते हैं, ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है, पहला वाला एग्जाम्पल मैंने आपके आपके फ्रेंड्स का लिया, दूसरा वाला बिजनेस का बैंक्स का लिया, तीसरा वाला ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है। दू क्या मतलब, मैं आपको बताऊं जेन्युइनली जब मैंने ये चीज अप्लाई करने की कोशिश की, यस मैंने ना जब ये मेरा पर्सनल एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता है कि मेरे को आपके साथ ये शेयर करना चाहिए कि नहीं, बट मुझे लगता है कि अपना एक अच्छा कनेक्शन बैठ गया है, तो मैं शेयर करना चाहूंगा ये एग्जाम्पल आप लोगों के साथ। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने जब ये चीज अप्लाई करने की कोशिश की मेरे पर्सनल लाइफ में, तो लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, बट आज मैं अपनों के साथ ये चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या मैं गलत था क्या। अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं,
मैं आपको बताऊंगा मेरी सोच क्या थी और मेरे घर वालों और बाकी लोगों की सोच क्या थी जो उनके साथ नहीं मैच हो रही थी। बट और उन्होंने मेरे पे बहुत मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पता नहीं मुझे क्या भला बुरा कहा। बट आप लोग, अब आप लोग जज हो, आप सच्चाई का साथ देना, और जो आप आपको लगे कि संकल्प सर गलत है तो आप बोल देना सर आप गलत हो, और आपको लगे कि आप सर बाकी लोग गलत है तो बाकी लोग गलत है। जो है आप लोग प्लीज अभी का अभी एक प्रण ले लो, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो क्या ये एग्जाम्पल जो मैं मेरा पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूं उसमें आप लोग को जब मैं पूछूंगा क्या मैंने सही बोला या सही किया, तो आप लोग को बताना एकदम निष्पक्ष होके, मतलब अनबायस्ड एकदम फेयर वे में, दैट सर आप सही थे या सर आप गलत थे। करोगे मेरे साथ ऐसा ये चीज? डन। चलो थैंक यू, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, प्लीज मजाक मत उड़ाना। गलत होऊंगा मैं तो आप मुझे बोल देना सर आप गलत हो, इट्स ओके आई विल टेक इट, बट मजाक मत उड़ाना मेरा तुम लोग जैसे बाकी लोगों ने उड़ाया। चलो पब्लिक बोल रहा है सर हम रैशनल व्यू देंगे, आप बताओ। चलो तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? चलो तो फिर मैं बताता हूं। अब मैंने कल आप लोगों को बताया था मैं हूं बॉम्बे का, आमची मुंबई, यस आमची मुंबई का, सो आई एम फ्रॉम मुंबई। सो ये मेरा एग्जाम्पल भी कुछ वहां से ही कनेक्टेड है, मुंबई से ही कनेक्टेड है। तो मैं रहता हूं मुंबई में, ठीक है? मुंबई में मेरी एक जगह है जहां पे मैं रहता हूं, ठीक है? इस बिल्डिंग का नाम है ब्लू हेवन, ठीक है? मैं एक सोसाइटी में रहता हूं जिस सोसाइटी का नाम है ब्लू हेवन। हमारी ये सोसाइटी, तुम लोगों को पता है बॉम्बे में ऐसे बिल्डिंग का कल्चर होता है, बिल्डिंग का कल्चर बता रहे, यस। तो यहाँ पे हमारे फ्लोर्स होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे 10 मंजिला बिल्डिंग, 10 फ्लोर्स की बिल्डिंग में मैं रहता हूं बॉम्बे में, ठीक है? तो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि हमारे ये बिल्डिंग में, बॉम्बे में एक रूल है कि अगर 4 फ्लोर्स के ऊपर अगर बिल्डिंग होती है ना, तो वो बिल्डिंग में वो लोग लिफ्ट रखना कंपलसरी है। वो बिल्डिंग में लिफ्ट रखना कंपलसरी है, आपको रखना ही पड़ेगा लिफ्ट, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि ये जो हमारी लिफ्ट है, ये लिफ्ट लिफ्ट देखी है तुम लोगों ने, फर्स्ट फ्लोर से लेकर 10th फ्लोर तक लेके जाती है। जो बॉम्बे में रहते हैं वो लोग को तो ये चीज पता ही होगी, बाकी लोग जो शहर में, हम लोग को पता होगा, तो लिफ्ट आपको लेके जाएगी। अब ये लिफ्ट फ्री में होती है या इसका कुछ खर्चा होता है? ये लिफ्ट फ्री की होती है या इसका कुछ मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होता है, ठीक है ना? देखो मैं अपनी मेरी कहानी सुना रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना और मुझे सच्ची में बताना मैं सही था या नहीं। हाँ, तो क्या ये लिफ्ट का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होता है? तो आप लोग ने कहा हाँ सर होता है। तो हमारे भी लिफ्ट में होता था, हमारे भी लिफ्ट में होता था। तो हमारी लिफ्ट का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस था ₹10,000, ₹10,000 पर मंथ। अब होता क्या था कि मेजरली लिफ्ट का क्या मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है पता है क्या? उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। जितना लिफ्ट ऊपर नीचे करेगा उतना लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, सीधी सी बात है। और जितना वो इलेक्ट्रिसिटी, और लिफ्ट का है ना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का बहुत बड़ा यूनिट होता है, बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। तो मेंटेनेंस से भी ज्यादा मैं इधर लिखता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो हमारे लिफ्ट का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होता था, हमारे लिफ्ट का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बहुत होता था, ₹10,000 पर मंथ। अब आप मुझे बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ये बिल्डिंग वाला कहां से रिकवर करेगा? जो बिल्डिंग के ओनर्स है उन लोग के पास से। तो यहां पे टोटल 10,000 पर मंथ का लिफ्ट का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आया टोटल 10 फ्लैट से। मैंने बोला ना 10 फ्लोर्स, 10 फ्लैट, 1 फ्लैट पर फ्लोर। तो वो हमारे को आ जाता था लिफ्ट एक्सपेंसेस, हमारे घर पे एक बिल आ जाता था ₹1,000 पर मंथ। ये देखो ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे बिल आ जाता था, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे से बिल आ गया ₹1,000 पर मंथ का, हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का लिफ्ट एक्सपेंसेस का बिल आ गया, ठीक है?
सब लोग पे करते थे, सब लोग पे कर देते थे 1,000 रुपीज। तो 10 फ्लैट्स थे टोटल मेरे बिल्डिंग में, 10 फ्लोर्स, हर फ्लोर पे एक फ्लैट, 10 10 फ्लैट के हिसाब से 1,000 पर फ्लैट सब लोग पे करते थे। अब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और मैंने भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चालू की। मैंने अपना सीए कंप्लीट किया, पापा ने बोला कि चलो सीए कंप्लीट हो गया बेटा, अब तू भी जरा बिल्डिंग के एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें जाके आ। तो वहां पे मैं गया और मैंने एक चीज नोट की, मैंने उनको बोला कि मैं एवरीबॉडी, मैंने उनको बोला मैं रहता हूं फर्स्ट फ्लोर पे, रादर मैं रहता हूं फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं और मेरे घर वाले कभी भी लिफ्ट यूज ही नहीं करते, हम लोग कभी भी लिफ्ट यूज ही नहीं करते। तो मैंने एजीएम में जाके बोल दिया और मेरे घर वालों को भी मैंने बोल दिया कि मैं तो है ना, देखो अपन लोग तो लिफ्ट यूज ही नहीं करते, तो ये जो 10,000 का इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा आ रहा है वो अपन लोग क्यों बैर करें, वो तो बाकी लोगों को बैर करना चाहिए। वो 10th फ्लोर वाला सबसे ज्यादा लिफ्ट का खर्चा बैर करता चाहिए क्योंकि उसकी वजह से ज्यादा कॉस्ट आ रहा है, अपन लोग तो चल के जाते हैं फर्स्ट फ्लोर है तो अपन लोग तो यूज ही नहीं कर रहे, तो अपन क्यों लिफ्ट का खर्चा बैर करे। और मेरे घर वाले मेरे पे भड़क गए, बोले अरे क्या चिंदी हो गया है तू यार, हमारी नाक कटाएगा क्या, क्या तेरे पास स्टूडेंट की कमी हो गई है क्या कि तू ऐसे सब चिंदीगिरी करके मतलब इतना सब पैसा बचाने की कोशिश कर रहा है। एजीएम में लोग मेरे ऊपर जोर जोर से हंसने लगे, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार कि जितने जितना लिफ्ट कंज्यूम किया वो उतना पे करेगा, तुम लोग ने नहीं किया बट ठीक है ना, 10 फ्लैट है, 10 फ्लैट में डिवाइड कर दिया, क्या उसके लिए इतना चिक चिक कर रहा है संकल्प। और ऐसे पूरी के पूरे सब लोग मेरे पे हंसने लगे। मैंने बोला कि मेरे को लिफ्ट का एक्सपेंसेस चार्ज होना ही नहीं चाहिए, मैंने लिफ्ट का एक भी चीज कंज्यूम ही नहीं किया, मेरी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आया नहीं लिफ्ट का, आप क्या बेसिस पे मेरे को मेंटेनेंस कॉस्ट में इलेक्ट्रिसिटी का लिफ्ट का एक्सपेंसेस पे चार्ज कर रहे हो। मैंने ऐसे बोल दिया, मेरे घर वाले मुझे वहां से ले गए और बोल दिया उन लोगों के, अरे नहीं नहीं ये एजीएम आप कंप्लीट कंटिन्यू करो, ये हमारा बेटा है ही नहीं, हम इसको लेके जाते हैं। मेरे घर पे जाके मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना गुस्सा किया, बोला क्या ये सब कर रहा है, छोड़ ना दे देंगे अपन लोग। मैंने बोला बट अपन ने कंज्यूम ही नहीं किया तो अपन क्यों पे करें, तो आप मुझे बताओ क्या मैंने कुछ गलत बोला है क्या, और अगर मैंने गलत बोला है तो आप मुझे सही करवा दो। मैंने उनको बोला कि मैंने अगर लिफ्ट का एक्सपेंस बेयर ही नहीं किया है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं हुआ है, तो मैं क्यों उस कॉस्ट को बेयर करूं, बताओ जवाब दो। और प्लीज ऐसा मत करना कि सर आप सर हो और सर अभी 2 महीना आपके पास पढ़ना है तो हम जानबूझ के आपके साथ साथ देंगे, क्या आपको जेन्युइनली नहीं लग रहा है कि मैं सही था। फिर भी मेरे साथ ऐसा किया, आपको पता है, फिर भी मेरे साथ लोगों ने ऐसा किया, फिर भी लोगों ने मेरे साथ इतना बड़ा बुरा कहा। मेरे सारे दोस्तों ने कहा है कि सर आप 1,000% राइट है, आपके डिसीजन सही है सर, आप सही हो, उन्होंने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा है, उनको आपसे कॉस्टिंग पढ़ना चाहिए। थैंक गॉड तुम लोग ने तो मेरा साथ दिया, कम से कम तुम लोग ने तो कम से कम मेरा साथ दिया, और खाली तुम मेरा झूठा मूठा आश्वासन दे रहे हो या जेन्युइनली तुमको लग रहा है मैंने सही किया है। सो शुड आई पे द लिफ्ट चार्जेस अगर मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हूं तो, द आंसर इज नो। एंड यहां पे भी मैं यही चीज बता रहा हूं, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। जितना यूज उतना पेमेंट। अब यशस्वी तू बता मुझे, तू तो बॉम्बे में रहती है, तेरे भी बिल्डिंग में लिफ्ट होगी, अगर तुम लोग ने नोट किया होगा ना तो लिफ्ट का चार्जेस पूरे के पूरे बिल्डिंग में सब फ्लैट के पास सेम चार्जेस लिया जाता है, कितना गलत है ये।
क्या सर अर्णव बोल रहा है, सर आप दहराए हो या नहीं? नहीं समझा, नहीं क्या लिखा है कि नहीं यशस्वी? सो देखो, पूरे बॉम्बे में लिफ्ट के चार्जेस कैसे होता है पता है? चार्ज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स, 10,000 10 फ्लैट सीधा 1,000 पर फ्लैट। कोई ये नहीं देखता है कि कितने कितना कंज्यूम किया है, कितना गलत है। अब आप हो सकता है पूछो मेरे को कि सर कैसे बताओगे कितना किसने कंज्यूम किया है, कभी आपके घर पे गेस्ट आ गए, कभी कुछ आ गए, किसने क्या कंज्यूम किया, कैसे बताओगे? मैं बोल रहा हूँ अरे यार, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आज अपना चंद्रयान 3 मून पे पहुंच गया है, और अपन लोग एक ये कैलकुलेशन नहीं बता सकते? हो सकता है अपन लोग एक कार्ड रख देते हैं और वो कार्ड के थ्रू कुछ भी कर लेंगे। अरे यार मैं बोल रहा हूँ व्हाट्सएप है, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, मेरे पास व्हाट्सएप है, आज व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करता हूं मैं, पूरी दुनिया में कहीं का कहीं मैं कोई भी चीज पहुंचा सकता हूं, और एक इतनी सी चीज भी नहीं बता सकता मैं, इतना सा भी नहीं बता कर सकता कैलकुलेशन? अरे मैं एक मस्त कार्ड लेके जाऊंगा और उस कार्ड के बेसिस पे सब चीज कर दूंगा यार कन्वर्ट, है कि नहीं? मैं सबको एक कार्ड दे दूंगा और कार्ड जिसने भी स्वाइप किया तो पता चल जाएगा वो कौन से फ्लोर पे गई है, जैसे ही पता चल जाएगा वो फ्लोर को उतना चार्ज कर दो, सिंपल। सर आप अभी भी बिल देते हो? अरे देना पड़ता है ना यार, घर वालों ने चुप करा दिया, सोसाइटी वाले हंस रहे मेरे पे, क्या करूं अकेला पड़ गया हूं, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, संगठन में शक्ति है, यूनिटी स्ट्रेंथ। सर तो ये सब चीज आप जो बता रहे हो वो सही है, कब बैंक भी गलत है, लिफ्ट भी गलत है, दोस्त भी गलत है, सर आप सही बोल रहे हो कॉस्टिंग में, तो ये सब चीज सर सही कैसे करवाएंगे? जब आप और मैं मिल जाएंगे, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूं मैं ये सब्जेक्ट कि पहले तो मैं एक जनता तैयार करूं जो सही तरह से कॉस्टिंग को समझती हो, और फिर अपन साथ में मिलकर ये रेवोल्यूशन लाएंगे, कॉस्टिंग का रेवोल्यूशन लाएंगे। जी हाँ, है कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। तो कर सकते हैं भाई, टेक्नोलॉजी को यूज करके ये भी फाइंड कर सकते हैं किसने कितना कंज्यूम किया है, एंड उस हिसाब से ही हम चार्ज करेंगे। अरे मैं तो बोलता हूँ इसका डबल फायदा है, जो 10th फ्लोर का है ना वो भी सोचना चालू कर देगा, अरे यार मैं 10th फ्लोर तक लिफ्ट लेके गया तो उतना कॉस्ट मेरे पे बैर होगा, वो भी चल के जाना चालू कर देगा, वो भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा। क्या बोलते हो, कैसा लगा आइडिया? सर अच्छा, प्रशांत बोल रहे सर कभी तो फर्स्ट फ्लोर वाले भी ऊपर लिफ्ट जाने के लिए यूज करते होंगे। हाँ यूज करता हूँ ना मैं, एक दिन साल में एक दिन यूज करता हूँ, 15 जनवरी को काय पोचे पतंग चगाते वक्त, तब मैं भी यूज करता हूँ, बट उसके लिए आप मुझे 1,000 रुपये पर मंथ चार्ज करोगे? ये कहाँ का न्याय है? अरे जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूं उतना चार्ज करो, एक ऐसा कार्ड बना दो जिससे पता चल जाए कौन से फ्लोर पे किसने कितना कंज्यूम किया है। क्या बात करते हो, कमाल है यार, आज की तारीख में इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया आगे प्रशांत सर, है के नहीं? इसी के साथ कंप्लीट हुआ मेरा एग्जाम्पल नंबर 3, और इस एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं को आपको एक ही चीज समझानी थी, कॉस्ट शुड बी चार्ज बेस्ड ऑन कंजम्पशन। गॉट इट गाइस, गॉट इट? समझ में आ रही है बातें? चल टन टन डन टन, वाह सर वाह, आप तो हमारे को एकदम चिंदी बना के छोड़ोगे। अरे चिंदी नहीं, कॉस्टिंग का सही उपयोग करना सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? क्या बोला मैंने, आपके खून में सिंधी और मारवाड़ी दोनों का खून मिलवा दूंगा मैं आने वाले 2 महीने में, एक एक कॉस्ट आप अभी सोच समझ के खर्चा करोगे, देखना। बता रहा हूं मैं आपको। चलो गुड गुड टू नो दैट आप लोग चीजें कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड इसीलिए मैंने कल बोला था कि मेरे बस एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना, ना आप कभी उसको भूलोगे ना मैं उसको भूलने दूंगा, और उससे आप सारे कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट कर पाओगे, एंड दैट एग्जैक्टली इज व्हाट वी वांट एंड ऑफ द डे। एम आई राइट एवरीबॉडी? चलो डन। हाँ भाई, यस ऑल वेल, ऑल इज वेल। चलो डन, थैंक यू, आप लोग ने मेरा साथ दिया। और सुनो, अगर आप YouTube पे ये लेक्चर देख रहे हो तो क्यों ना YouTube पे आप कमेंट करके बता दो कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, जो आपको ठीक लगे।
या अगर आपको मेरे को लग रहा है कि आप गूगल ड्राइव के स्टूडेंट हो, देखो लाइव वालों ने तो अपने मन के विचार शेयर कर दिए, हो सकता है आप गूगल ड्राइव के स्टूडेंट हो, मेरे को व्हाट्सएप करके बता दो कि आपको क्या लगता है, क्या लिफ्ट वाले एग्जाम्पल में मैं सही हूं या दुनिया सही है। जो है दिल से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। और कमेंट कर दो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, क्या बोलते हो? चलो अब सुनो, अब सुनो। अपने को आज सीखने को मिल गया दैट कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंजम्पशन। क्या सीखने को मिल गया? कॉस्ट शुड बी चार्ज्ड बेस्ड ऑन कंसम्पशन। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक लास्ट एक एग्जाम्पल देने वाला हूं एंड फिर अपन आज का सेशन एंड करेंगे। ध्यान से सुनना मेरा ये एग्जाम्पल। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर रहा था, मैं फाइनेंशियल अकाउंट बना रहा हूं, बचपन से अकाउंटिंग तो करते आ रहा हूं मैं 11th स्टैंडर्ड से, और उसमें मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करता ही हूं, फिर इसकी जरूरत क्यों जरूरत पड़ गई, फिर आपको कॉस्टिंग अकाउंट्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कॉस्टिंग अकाउंट भी प्रॉफिट बताने वाला है? द आंसर इज यस। तो दोनों प्रॉफिट बताने वाले हैं, तो अलग अलग अकाउंटिंग की क्या जरूरत पड़ गई, एंड वो अब मैं आप लोग को प्रूव करने वाला हूं यहां पे। से लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सैमसंग। से सैमसंग है, सैमसंग के पास चार फोन है, फोन ए, फोन बी, फोन सी और फोन डी। सैमसंग के पास चार फोन है, यहाँ पे फोन ए, फोन बी, फोन सी एंड फोन डी। चारों फोन अच्छे खासे फोन्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन चारों का सब मिला के एक फाइनेंशियल अकाउंट बनाया गया, इन चारों का एक फाइनेंशियल अकाउंट बनाया गया, जहां पे देखा बाय सेल्स, बाय सेल्स है से 50 लाख, बाय सेल्स है 50 लाख, टू परचेजेस से इनका टोटल परचेजेस था से 28 लाख, एंड टू अदर एक्सपेंसेस था इनका, टू अदर एक्सपेंसेस था से 16 लाख, से 18 लाख। अब जो सीईओ है वो आया और उसने देखा कि यार टोटल 12 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का? 12 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, और वो बोल के गया, अरे वाह, मेरा कंपनी सबसे बेस्ट, मेरा कंपनी 12 लाख का प्रॉफिट कर रहा है, चारों प्रोडक्ट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हो गया। दिस इज वॉट फाइनेंशियल अकाउंट डज। और ये जब मैं कॉस्ट अकाउंट करूंगा ना, तो कॉस्ट अकाउंट क्या बोलता है पता है? वो प्रॉफिट निकालता है प्रोडक्ट वाइज, और यहां पे यही मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रॉफिट निकालता है टोटैलिटी के ऊपर, यही मेरा फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रॉफिट निकालता है, यही मेरा फाइनेंशियल अकाउंट प्रॉफिट निकालता है टोटैलिटी के ऊपर। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? समझ में आ रहा है गाइस? तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का टेंशन मत लो, मैं तुम लोग के लिए, सब लोग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा और उसमें मैं ऐड कर दूंगा, मैं खुद भी रहूंगा ताकि डाउट भी डिस्कस हो सके, डोंट वरी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंट में मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, एंड ये जो मेरा प्रॉफिट है ये टोटैलिटी पे देखा जाता है जैसा यहाँ पे। बट अब आपको मैं दिखाता हूँ कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट कैसे देखेगा। कॉस्टिंग वाला है ना प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट देखता है, वो देखता है कि ए का सेल्स कितना हुआ है, तो उसने देखा कि 50 लाख में से 5 लाख सेल्स ए का है, हाँ, बी का 15 लाख का सेल्स बी का है, जी हाँ, 10 लाख का सेल्स सी का है। इसको थोड़ा ऊपर नीचे लिख देते हैं, 10 लाख का सेल्स सी का है एंड 20 लाख का सेल्स डी का है। ए का परचेज कॉस्ट है 4 लाख रुपए, ए का
अदर एक्सपेंसेस का कॉस्ट है 2 लाख रुपए। जी हाँ, अब यही बी का अगर मैं आपको बताऊं तो बी का टोटल कॉस्ट है परचेज कॉस्ट, फिर सी का बताता हूं, फिर डी का बताता हूं। बी का मेरा टोटल परचेज कॉस्ट है से 8 लाख रुपीज, सी का भी 8 लाख रुपीज, और डी का कितना बचा भाई, बी 8 लाख रुपीज। चलो सी का कर देते हैं अपन 6 लाख, 6 लाख, एंड डी का है 10 लाख। बी का अदर एक्सपेंसेस 1,50,000, 4,50,000, सॉरी 4,50,000। सी का अदर एक्सपेंसेस 3 लाख। डी का अदर एक्सपेंसेस जितना बच गया, कितना बच गया देखो, 3 + 4,50,000 + 2 लाख -18 लाख, 8,50,000। अब रियल प्रॉफिट समझ में आएगा। यहां पे अपने को पता चला दैट ये तो लॉस दे रहा है। OMG, ए में तो 1 लाख का लॉस है, चलो बी में फिर भी प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, बी का प्रॉफिट बताओ, सी का प्रॉफिट बताओ तुम लोग। चलो एटलीस्ट यहां पे 2,50,000 का प्रॉफिट तो है, एटलीस्ट यहां पे 2,50,000 का प्रॉफिट तो है। सी का प्रॉफिट बताओ, नाइन लैख 1 लाख का प्रॉफिट सी का है, और डी का प्रॉफिट बताओ 1,50,000। कुछ तो कैलकुलेशन एरर हुआ है, मेरे को लग रहा है। अच्छा, ए 28 + 18 46 लाख हुआ, तो ये 4 लाख हुआ है खाली। तो ओवरऑल प्रॉफिट 4 लाख दिख रहा है, अपने को लग रहा है अरे 4 लाख का प्रॉफिट है, चलो मस्त जा रहा है। बट यहां से पता चला, यहां से अपने को पता चल रहा है कि इसमें से ए तो लॉस में है। अब आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट की वजह से आपको पता चलेगा कि आपको तो ए डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था, आपको तो ए डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए था, जो अदरवाइज आपको कभी भी पता नहीं चलता था, जो अदरवाइज आपको कभी भी पता नहीं चलता था। समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग? क्यों? क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट के ऊपर फोकस करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट टोटैलिटी पे करता है। अरे जाओ यार, नहीं बात करनी मुझे कोई अकाउंट्स के प्रोफेसर के साथ है, मैं क्यों बात करूं? मैं कॉस्टिंग का प्रोफेसर हूं और मैं बोलता हूं कॉस्टिंग इज बेटर देन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जाके बता देना अपने अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रोफेसर को, डरता नहीं मैं किसी से। हाँ बता रहा हूं, समझ गए ना भावनाओं को यार? अपनी चीज के ऊपर अपने को वो होना चाहिए ना, क्यों मैं बेटर हूं, इसलिए मैं बेटर हूं। हाँ ए समझ गए एवरीबॉडी? चलो डन गाइस। सो अब इससे मुझे समझ में आया कि ओ एफा, ए से तो बेटर बी सी डी, और ए को तो डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। हाँ ये तो लॉस दे रहा है जो पता ही नहीं चलता, अगर मैं कॉस्टिंग का प्रॉफिट बनाता ही नहीं तो। इसके लिए कॉस्टिंग इंट्रोड्यूस किया इन द सिलेबस, समझी गड़ू? हाँ उल्टा खर्चा बढ़ा रहा है ये वाला और प्रॉफिट कम कर रहा है, वही तो बता रहा हूं मैं। अब समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? शाबाश। डन गाइस। सो बस यही आप लोगों को बताना था कि क्यों आया कॉस्टिंग दुनिया में, क्यों पढ़ रहे अपन लोग ये सब्जेक्ट, कई बार पता ही नहीं होता है अपने को दैट व्हाई द हेल आर वी डूइंग इट। चलो एक बार टैक्स आपको पे करना होता है, इसलिए आप टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो,
ऑडिट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करने आप पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंट्स बचपन से करते आ रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने बना रहे हो आप, लॉ चलो भाई सब चीज के दायरे में रहना चाहिए इसलिए कर रहे हो, बाकी सब सब्जेक्ट का मतलब पता होता है, बट अपने को यही नहीं पता होता है कि कॉस्टिंग क्यों कर रहे हैं अपन। दिस इज द रीजन वी आर डूइंग कॉस्टिंग, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, राइट कॉस्ट चार्ज करना, इनकरेक्ट कॉस्ट ना चार्ज हो, जैसे मेरे साथ लिफ्ट के लिए हो रहा है, ओवर कॉस्टिंग अंडर कॉस्टिंग ना हो जाए जैसे बैंक में और रेस्टोरेंट में हो रहा था। ए समझो एवरीवन, गॉट इट गाइस? यस सर, अब समझ में आ रहा है कॉस्टिंग पढ़ना क्यों जरूरी है। एंड बस आज के मेरे ये सेशन का यही ऑब्जेक्टिव था, तुम लोग मुझे एंड में ये बोल दो दैट यस सर कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, अब समझ में आया। मैं आप लोग सब लोग को एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या अब आप लोग सब लोग को समझ में आ गया अपन कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे गाइस? मैं आप लोग सब लोग से एक जवाब चाहता हूं, एवरीबॉडी हु इज देयर, आप लोग सब लोग को जवाब दे रहे हैं गाइस, आई एम वेटिंग, क्या आप लोग को पता चला क्यों कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं एवरीबॉडी? क्या समझ में आया? एंड लेट मी नो हाउ वॉज इट, पूरा कनेक्ट हो रहा है, एवरीबॉडी इज एबल टू कनेक्ट, मजा आ रहा है, कैसा लगा आज का सेशन बताओ मेरे को फटाफट। यस गाइस कम ऑन, अब आप एक्साइटेड हो आने वाले सेशंस के लिए? शाबाश, अब तो किसी और को भी समझा सकते हैं, मजा आ गया, चलो दैट्स रियली ग्रेट टू नो, समझ आ रहा है कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और वेरी इंटरेस्टिंग पढ़ाने वाला, क्या लग रहा है आर्या? चल नाइस, ग्रेट टू नो गाइस, बस ऐसे ही इंटरेस्ट बनाए रखेंगे अपन लोग पूरा एंड तक, एंड सेम वे में एफएम भी अपने को पढ़ना है इसी जोश के साथ इसी जुनून के साथ। ओके गाइस ऑल सेट, मैंने सोचा था ये सब्जेक्ट बोरिंग लगेगा, जरा भी नहीं होने दूंगा, एक मिनट के लिए बोर नहीं होने दूंगा, आप टेंशन मत लेना, इतने एग्जांपल्स इतने कॉन्सेप्ट्स इतने फॉर्मूलास है मेरे पास करवाने के लिए कि आप एवरीडे, मैंने क्या बोला था कल आपको, आप एवरीडे बोलोगे सर ये दिल मांगे मोर, सर ये दिल मांगे मोर, क्या आपका भी दिल मांगे मोर? तो मिलते हैं अगले सेशन में विथ सम मोर इंटरेस्टिंग थॉट्स, और अगले सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे अ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू यू कैन से फेस। थैंक यू सो मच गाइस, अच्छा लगा सुन के, चलो टेक केयर एंड बाय। थैंक यू, ग्रेट टू नो, कल क्या है क्या नहीं वो मैं बता दूंगा, मेरी टीम से मैं डिस्कस करके आप लोगों को बता दूंगा कि कल आप लोगों का कौन सा सेशन है। चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, टेक केयर कीप स्माइलिंग, ये नोट्स आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। थैंक यू अगेन, एग्जाम्पल्स याद रखना, कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करके हर एक चीज को अच्छी तरह से करेंगे, अब 100 आउट ऑफ 100 आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कॉस्टिंग एफएम में। थैंक यू सो मच।